हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी पी माय नेम इज प्रतीक नायक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द लार्जेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी पी के प्लेटफॉर्म के ऊपर और मैं आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ इन डिस्कशन ऑफ दी स्टैंडर्ड नाइन्थ एन जहां मैं आपको पढ़ा रहा था प्रीवियस क्लास के अंदर पीजेंस एंड फार्मर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ती है किस तरह से मॉडर्न एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई किस तरह से वर्ल्ड के हिस्ट्री के अंदर हमने समझने की कोशिश की थी कि आपके यहाँ पे जब आधुनिक खेती की शुरुआत होती, होती है तो इंग्लैंड से शुरुआत होती है मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसज़ की उन सब पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे बट एज ऑलवेज़ आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर द न्यू स्टूडेंट्स दोज हुए ज्वाइन जस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म मैं पिछले सात साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन एटलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर एंड आई एम नोन फॉर टीचिंग हिस्ट्री इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर आई ऑल्सो टीच ऑन दी एन अकेडमी प्लस विच इज़ द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन द कंट्री जहाँ इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं और ये प्लेटफॉर्म के द्वारा जो पूरी की पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो आप कर सकते हो ये प्लेटफॉर्म पेड प्लेटफॉर्म है जैसे यहाँ पर मैं आपको लेट्स क्रैक यूपीएससी पी सी एस के चैनल के ऊपर एन करा रहा हूँ वैसे ही आपको अन एकेडमिक प्लस के ऊपर भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज करा रहा हूँ एक मेरा नया कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यहाँ शुरू हो रहा है वो है हिस्ट्री आंसर राइटिंग को लेकर जनरल स्टडीज़ को लेकर दिस कोर्स इज़ बेनिफिशियल फॉर दो स्टूडेंट जिनको हिस्ट्री के आंसर्स लिखने में और समझने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये कोर्स के द्वारा हम लोग एंशियंट से लेके मिडिवल मिडीवल से लेके मॉडर्न से लेके वर्ल्ड हिस्ट्री से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से लेके और आर्ट एंड कल्चर इतने सारे कॉम्प्रिहेंसिव जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उन सब के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके भी एनालिसिस के ऊपर जाएंगे तो आई सजेस्ट कि आप यहाँ पे जुड़ सकते हो हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री से लेके जितने भी टॉपिक्स से उसके आंसर राइटिंग कोर्स के अंदर सब्सक्रिप्शन आपको इसके लिए लेना पड़ेगा यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन यूजिंग द डिस्काउंट कोड पी एन लाइव और आपको टेन परसेंट डिस्काउंट भी इसके साथ मिल जाएगा अनएकेडमी प्लस के ऊपर ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे टेस्ट क्वीज़ मिलेंगे अनलिमिटेड टाइम एक्सेस मिलेगा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको एक्सेस मिलेंगे जहाँ पे राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरा टाइम टेबल दे दिया जाएगा कैसे पढ़ना है किस तरह से अप्रोच करना है वो सब चीज़ें भी इंक्लूड की जाएगी मेरे अनएकेडमी के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं उसके लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख पाते हो राइट फ्रॉम द फिल्म एंड द मेन सब्जेक्ट एनालिसिस तीन हज़ार से ज़्यादा स्लाइड्स का मेरा हैंड आउट मटेरियल अवेलेबल है ऑन दी प्लेटफॉर्म आप उसको भी एक्सेस कर पाओगे और मेनली हम लोग जब इनफैक्ट ये पूरी की पूरी एनालिसिस को देखते हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो पूरी एनालिसिस है ये एनालिसिस के अंदर आपको फ़ायदा यही होगा कि आप जिस तरह से इसकी तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की प्रिपरेशन की वहाँ आपको फ़ायदा ये होगा कि आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब आप एक्सेस कर पाओगे टॉप मोस्ट एजुकेटर्स अन एकेडमी के ऊपर पढ़ाते हैं उन सब के कोर्सेज़ एक्सेस कर पाओगे ऐसा नहीं होगा कि खाली मेरा हिस्ट्री का कोर्स ही आपको देखना है यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी देखना है आपको पॉलिटी भी पढ़ना है आपको इकोनॉमी भी पढ़ना है ज्योग्राफी भी पढ़ना है एनवायरमेंट भी पढ़ना है करंट अफेयर्स पढ़ना है बहुत सारी चीज़ें होती है फिल्मस और मेन्स का पूरा का पूरा जनरल स्टडीज़ का जो कोर्स है वो अवेलेबल आपको हो जाएगा लाइव क्लासेस होंगे डाउट सॉल्विंग होंगे और बेस्ट पार्ट है आंसर राइटिंग के कोर्सेज होंगे जो अभी मैं करा रहा हूँ बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली करा रहा हूँ आप जुड़िए हमारे साथ एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि किस तरह से उसके अंदर आपको चेंज मिलता है आप कहीं से भी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो अपने टाइम के हिसाब से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़िए और अपनी तैयारी को थोड़ा एक पुश कीजिए आई सजेस्ट इसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम दी अन एकेडमी प्ले स्टोर और दी एप स्टोर आई वुड से और उसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपका जो गोल है वो यू पी एस सी सी एस सी को कर दीजिए द मूवमेंट यूल चूज योर गोल एज यू पी एस सी सी एस सी उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे एक प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज़ अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर मिलेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जहाँ पे आपको पर्सनल कोच की फैसिलिटी भी दी जाएगी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस जो है वो एक साल की फोटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू ईर्यर्स की सिक्सटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड और थ्री ईयर्स की एट्टी वन थाउजेंड है बट इफ़ विल यूज़ द डिस्काउंट कोड पी एंड लाइव अगर आपने डिस्काउंट कोड पी एंड लाइव यूज़ किया तो आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जहाँ पे आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल रही है यू आर गेटिंग पर्सनल मेंटरशिप यहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच अलॉट किया जाएगा जो आपको हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग से लेके स्टडी प्लानर से लेके और आपको गाइड करेंगे कि कैसे पढ़ना है किस तरह से पढ़ना है आप उनके साथ कनेक्टेड रहोगे एक साल दो साल और तीन साल का सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल है ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल है आप जुड़ सकते हो सिक्सटी फॉर वन ईयर नाइन्टी फॉर टू ईयर एंड आई वुड से वन लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड फॉर थ्री ईयर्स नो डाउट फीस आप ई एम आई के अंदर पे कीजिए बट अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हो अभी आप फर्स्ट ईयर के अंदर तैयारी कर रहे हो तो दिस विल बी द राइट टाइम टू ज्वाइन फॉर द प्रिपरेशन इसके अलावा जो दो लोग इनफैक्ट मेन्स की तैयारी डेडिकेटेड कर रहे हैं और मेन्स के अंदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है उसके लिए भी आपको एक अलग से सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर द ऑप्शनल डेडिकेटेडली इतने सारे ऑप्शनल्स अन एकेडमी के ऊपर कराए जा रहे हैं दिस आर दी मल्टीपल ऑप्शनल्स विच आर बिंग टॉट ऑन दी एन एकेडमी इसके अंदर आपको हिस्ट्री से ले कर एग्रीकल्चर से ले कर पी एस आई आर से ले कर पबेड से ले कर बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कवर किए जा रहे हैं आप इसकी ऑप्शन की तैयारी भी कर सकते हो एक साल दो साल या तीन साल का सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में भी ले सकते हो एक महीने का सब्सक्रिप्शन ऑप्शनल में काम में आएगा नहीं क्यों क्योंकि एक महीने के अंदर ऑप्शनल कभी खत्म होता नहीं है अगर हिस्ट्री ऑप्शनल की भी तैयारी करोगे तो भी आपको मिनिमम पाँच छः महीना लग जाएगा इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑप्शनल की तैयारी को थोड़ा पुश कीजिए एक दो साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी थाउजेंड एंड फिफ्टी थाउजेंड रिस्पेक्टिवली फॉर वन टू थ्री ईयर्स है इसमें भी आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो डिस्काउंट कोड पी एन लाइव और यहाँ पर भी टेन परसेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जुड़िए हमारे साथ अगर आपको अन एकेडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानना है तो आप प्लीज़ हमारे फ्री क्लासेस को अटेंड करिए ये इंटरेक्टिव क्लासेस होते हैं जो स्पेशल क्लासेस के रूप में हम लोग कहते हैं और ये क्लासेस आप इनफैक्ट फ्री में एक्सेस कर पाओगे इसमें मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की एक सीरीज़ चलाई हुई है इसी के अंदर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे प्रीवियस के क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं मॉडर्न के एशियट के मिडीवल के आप वो सब क्लासेस को भी देखिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा आप लोग के लिए चलिए हम लोग ने पिछले क्लास के अंदर पढ़ना शुरू किया था और देखा था कि पीजेंस और फार्मर्स किस तरह से मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर और वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले जाते हैं तो मॉडर्नाइजेशन एक जो आइडियोलॉजी है जिसे हम लोग आधुनिकरण कहते हैं उसमें आपके किसानों किस तरह से आवश्यकता लेते हैं उसको हमने पढ़ने की शुरुआत की थी प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताने की शुरुआत की थी कि इंग्लैंड के अंदर औद्योगिकरण की शुरुआत होनी और पीछे पीछे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन कैसे शुरुआत होती है वो हमने पढ़ने की शुरुआत की थी मैंने आपको ये चैप्टर के अंदर बताया था कि मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर विल लीड टू सो मेनी प्रॉब्लम्स इन इंग्लैंड और हमने आपको पिछले क्लास के अंदर समझाने की कोशिश की थी कि इंग्लैंड में जब एग्रीकल्चर के अंदर मॉडर्नाइजेशन हुआ और एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से इंग्लैंड की खेती जो है वहाँ पे थ्रेशिंग की शुरुआत की जाती है और जब ये थ्रेसिंग की शुरुआत होती है उसके कारण जो लेबर क्लास था वो लेबर क्लास ने इसको टारगेट करना शुरू कर दिया और बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होंगे 1830 से लेके 1850 तक का जो पीरियड है इस पीरियड के अंदर इंग्लैंड में ये थ्रेसिंग की एक्टिविटीज़ को बहुत टारगेट किया जा रहा था ये भी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ी थी हमने ये भी पढ़ा था कि इंग्लैंड में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पहले बहुत अच्छी तरह से चलता था और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के रूप में ओपन फील्ड का कंसेप्ट आपको मिलेगा और साथ और साथ हमने बताया था कि यहाँ पे कॉमन लैंड का कंसेप्ट भी था जहाँ पूरी की पूरी जो जमीन है वो गांव वालों की रहती थी धीरे 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 ये ओपन फील्ड और कॉमन लैंड का कन्वर्ट कन्सेप्ट जो है वो चेंज हो जाता है और इंग्लैंड के अंदर एक नई सिस्टम की शुरुआत हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं द एनक्लोज़र सिस्टम एक ऐसे सिस्टम जिसके द्वारा हमको समझने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलता है कि इनफैक्ट जो लैंड है वो लैंड प्राइवेट प्रॉपर्टी के हाथ में दे दी जाती है ज़मीनों को बेसिकली प्राइवेट ओनरशिप के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको बहुत क्लियर कट चीज़ें मिलती है कि सिचुएशन आपकी वो है ना काबू के बाहर चली जाएगी बहुत सारी लार्ज स्केल लैंड जो है उसको एंक्लोज कर दिया जाता है एनक्लोज़ करने का मतलब क्या है दोस्तों कि उसके आजू बाजू के अंदर एक बाउंड्री वॉल बना दी जाएगी और वहाँ पे बेसिकली अब जो है अब फार्मिंग की एक नई टेक्निक शुरू होती है इनिशियली एंक्लोजर आपकी वुल फार्मिंग के लिए या मैंने आपको बताया था शिप फार्मिंग के लिए था एंड मेनली हमको पता चलता है कि ये जो शिप फार्मिंग की प्रैक्टिस थी ये आपको प्रोमिनेंट मिलेगी इसके सिवाय जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एंक्लोज़र को उसके बाद हमने देखा था कि फ़ूड ग्रेन्स के लिए भी एंक्लोज़र करने की कोशिश की गई थी क्योंकि इंग्लैंड के अंदर खाने की अनाज की कमी हो जाती है आखिर के अंदर मैंने आपको बताया था कि यही एंक्लोज़र सिस्टम के अंदर कॉटन का प्रोडक्शन हुआ ये कॉटन के प्रोडक्शन ने इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को और पुश करा दिया समझे आप लोग ठीक है क्योंकि कॉटन एज ए रॉ मटेरियल जब इनफैक्ट इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज को मिलने की शुरुआत होती है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी गेटिंग अ पॉइंट है ना तो प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आपको पीजेंट्स एंड फार्मर्स की जो पूरी हिस्ट्री है इंग्लैंड के अंदर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कैसे होती है वो मैंने आपको बताया था जब मॉडर्न एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तो लोगों ने उसको रेजिस्ट किया था और बताया था कि थ्रेसिंग मशीन्स को टारगेट किया जा रहा है इनिशियली इंग्लैंड के अंदर ओपन फील्ड और कॉमन लैंड की कंसेप्ट हुआ करती थी जहां सब लोग मिल बांट के खेती किया करते थे धीरे 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 समय बदल जाता है और उसके बाद प्राइवेट एंक्लोज़र्स बनाने की शुरुआत होती है ये इंक्लोज़र्स उसको बेसिकली पुश कराने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कानून पास करवाए और इस तरह से हमने समझने की कोशिश की कि इनफैक्ट एंक्लोज़र बनाने का एक कारण था इंग्लैंड में पॉपुलेशन का बढ़ना पॉपुलेशन बढ़ती है तो खाने के लिए क्रॉप्स सही होंगे खाने में क्रॉप सही हो गए तो आपने एंक्लोजर मैथडोलॉजी के द्वारा जो जो बड़े जमींदार थे उन्होंने गेहूं का उत्पादन करना शुरू किया इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड के अंदर एक टाइम ऐसा था जहां वीट के क्रॉप्स की डिमांड बहुत बढ़ गई थी दे ऑज ए ह्यूज डिमांड ऑफ वीट क्रॉप्स और वीट क्रॉप्स की डिमांड बढ़ गई थी इसी के कारण क्या हो रहा है इफ यू कैन सी ऑन दिस चार्ट अगर आप ये ग्राफ के अंदर देख रहे हो तो आपकी प्राइस इतनी सारी बढ़ जाती है इसी के कारण इनफैक्ट सरकार ने डिसाइड किया कि हम लोग एनक्लोज़र के द्वारा और मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे और फाइनली क्या करेंगे साहब हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे साहब ठीक है ना तो ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन इंग्लैंड के अंदर हमको वहाँ पे मिलेगी इंग्लैंड के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे अगर आप ये चार्ट देख रहे हो अगर आप ये ग्राफ देख रहे हो तो ये ग्राफ के अंदर आपको प्राइजेस दिए गए हैं डिफिकेंसी ऑन द प्राइजिस यहाँ पे अगर आप इन दिक्सिस अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे शिलिंग दिया हुआ है शिलिंग पर बुशेल शिलिंग इज द करेंसी जो ब्रिटिश करेंसी है बेसिकली और बुशेल का मतलब है कि एक क्वान्टिटी ऑफ वीट साहब ठीक है ना तो पहले सिक्सटी शिलिंग हुआ करता था फिर फिफ्टी शिलिंग हो गया फिर फोटी हो गया अब देखोगे यहाँ पर एटीन से फिफ्टीन के आसपास का पीरियड है यहाँ पे हंड्रेड शिलिंग के आसपास टच हो रहा है 80 90 शिलिंग हो रहा है या 1820s में 80 शिलिंग के आसपास गया तो यू कैन इमेजिन कि क्या सिचुएशन रही होगी इंग्लैंड के अंदर व्हाट कुड हैव बीन द सिचुएशन इन इंग्लैंड जहाँ इतना सारा लार्ज स्केल आपका ये चलता है एंड मेनली हमको देखने को मिल रहा है कि जो ब्रिटिश प्रैक्टिसेस थी ये प्रैक्टिसेस के तहत बहुत सारी चीज़ें अब बदलने की शुरुआत होगी साहब ठीक है ना तो यू कैन इमेजिन कि क्या क्या कंसिड्रेशन हमको यहाँ पे मिलती है बहुत सारे कंट्री साइड के अंदर लोगों की पूरी लाइफ स्टाइल अब बदलने की शुरुआत हो जाएगी साहब ठीक है ना अब देखिए कि यहाँ पे एक फोटोग्राफ दिया गया एक पेंटिंग का फोटोग्राफ दिया गया है ये पेंटिंग बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे जॉन कॉन्स्टेबल नाम के एक पेंटर ने के द्वारा ड्रॉ की गई है अब बेसिकली ये जो पेंटिंग है ये पेंटिंग के अंदर आपको एंक्लोज लैंड के बारे में बताया गया है समझे आप लोग ठीक है एनक्लोज लैंड का मतलब क्या है कि कुछ कुछ ज़मीन को कैप्चर कैसे किया गया था

उसका ये पेंटिंग बताया गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हमको खाली यही देखना है कि एंक्लोजर कैसे बढ़े थे साहब ठीक है इंग्लैंड के अंदर मैंने आपको बता दिया कि आपके यहाँ पे जो करेंसी चलती थी शिलिंग ये शिलिंग बेसिकली ट्वेंटी शिलिंग इक्वल टू वन पाउंड के हिसाब से इनका चलता था अब आप देखिए कि एटीन के बाद या एटीन के बाद हमको बहुत क्लियर कट चेंज मिल रहे हैं कि अब एंक्लोजर्स की संख्या बढ़ेगी प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड का जो कंसेप्ट है बढ़ जाएगा बड़े बड़े जमींदार एक लैंड के पीस को कंट्रोल करने के लिए उसको आजू बाजू में फेंसिंग कर देंगे और वहां पे कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे मैकेनाइजेशन करने की शुरुआत करेंगे साहब ठीक है है ना तो वी फाइंड कि ये जो पीरियड है एटीन का उसे एज ऑफ एंक्लोजर्स कहा गया है ठीक है सो द पीरियड आफ्टर एटीन सेवनटीज सेवेंटीन एटीज इनफैक्ट अगर आप देखोगे सेवनटीन के पीरियड के बाद का जो पीरियड है उसे एज ऑफ एंक्लोजर कहा गया एज ऑफ एंक्लोजर इसके लिए कहा गया है क्योंकि इस दौरान जो पूरी की पूरी एंक्लोजमेंट हो रही है वो बड़ी मात्रा के अंदर हमको देखने को मिलती रहेगी साहब ठीक है सो वी फाइंड मल्टीपल डेवलपमेंट जहां बहुत सारे एंक्लोजर बनने की शुरुआत होती है और पहले इंग्लैंड के अंदर एंक्लोजर नहीं बनते थे गेडिंग पॉइंट है ना तो वॉट डू वी फाइंड हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इन द अर्यर टाइम्स अ पॉपुलेशन ग्रोथ मैंने आपको बताया इंग्लैंड में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हुआ था प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था विच वॉज मोस्ट ऑफन फॉलोड बाई पीरियड ऑफ फूड शॉर्टेजेस क्यों क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ती है दोस्तों तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी सप्लाई आपका कम था तो शॉर्टेज क्रिएट होने की शक्यता होगी गेटिंग पॉइंट है ना तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन पहले उतना एक्सपांड नहीं हो पाया था देर वॉज नॉट मच एक्सपांशन ऑफ द फूड ग्रेन्स पर नाइनटीन सेंचुरी के अंदर हमको देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द्लोजर्स किसके कारण बिकॉज ऑफ द्लोजर्स जमीन को बेसिकली इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया जमीन की ओनरशिप अपने हाथ में लेने की शुरुआत की तो इंग्लैंड के अंदर पूरी की पूरी लाइफस्टाइल बदल जाती है ग्रेन प्रोडक्शन जो है अब बेसिकली अच्छी तरह से होने की शुरुआत हो रही है और पॉपुलेशन की डिमांड जो है वो भी फुलफिल करने का काम कर रही है साहब ठीक है सो so, एनसीआरटी लिखती है इवन दो द पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली इन द ईयर 1868 इंग्लैंड वाज प्रोड्यूसिंग 80 परसेंट ऑफ द फूड इट कंज्यूम्ड मतलब क्या है साहब कि एटीन का पीरियड है इंग्लैंड के अंदर जितनी पॉपुलेशन थी उसका 80 परसेंट तो लोकल प्रोडक्शन हो जाता था ट्वेंटी परसेंट फूड जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता था तो पहले तो ऐसा था कि ब्रिटेन की हालत इतनी खराब थी कि वो फिफ्टी सिक्सटी परसेंट से ज़्यादा चीज़ें यूरोप से इंपोर्ट करते थे अब थोड़ी सिचुएशन इंप्रूव हुई है बिकॉज ऑफ दी एंक्लोजरस क्योंकि अब लोकल प्रोडक्शन आपके बढ़ने की शुरुआत हुई है तो एटलीस्ट आपके यहाँ पे इंपोर्ट की डिपेंडेंसी अब कम हो जाएगी साहब ठीक है है ना गेटिंग पॉइंट तो वी फाइंड कि इन्होंने जो एंक्लोजर की टेक्नोलॉजी यूज़ की थी ये की टेक्नोलॉजी के कारण इनका फूड गेन प्रोडक्शन बढ़ा है तो एन भी यही लिखता है द इंक्रीज इन फूड गेन प्रोडक्शन वॉज मेड पॉसिबल नॉट एनी बाय रेडिकल इनोवेशन इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्या खेती के अंदर बहुत सारे इनोवेशन हुए थे उसके कारण प्रोडक्शन बढ़ा था नहीं दी एग्रीकल्चर ग्रोथ टुक प्लेस बिकॉज दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन जितनी नई जमीनें थी उनको इन्होंने बेसिकली कल्टीवेशन में लाने की शुरुआत की उसको एंक्लोजर बनाए बड़े बड़े जमींदार्स को ओनरशिप राइट दिए और कहा कि बेटा तुम खेती करो सरकार तुम्हारे साथ पड़ी है हमारे लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा जब खाएगा इंग्लैंड तो बढ़ेगा इंग्लैंड साहब बिना खाए खाए खाना खाए तो इंग्लैंड बढ़ नहीं पाएगा आगे इंग्लैंड वोट बी एबल टू तो प्रोग्रेस विदाउट ईटिंग फूड है ना तो इसी के कारण हमको क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों कि आपकी जो एंक्लोजर की सिस्टम है ये एंक्लोजर के सिस्टम के द्वारा इन्होंने जो पूर्ण तरह से जो सिस्टम को डेवलप किया था उसके अंदर बहुत क्लियर कट हमको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है कि जो पीजेंस फार्मर्स की जो कंडीशन है उसको अब बहुत सारा अब चेंजेस होने की शुरुआत होगी साहब ठीक है सो वी फाइंड के एंक्लोज़र्स कैसे हुआ तो मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े लैंड से इन्होंने पेस्चर लैंड को कैप्चर किया पेस्चर लैंड मतलब जहाँ पे बेसिकली एक टाइम के ऊपर ग्रेजिंग होता था एनिमल्स जाते थे चारा चरने के लिए उसके बाद इन्होंने अपने फील्ड्स को कार्विंग किया बहुत सारे जंगल को साफ कर दिए इनफैक्ट ऐसे मार्शी लैंड जहाँ पे थोड़ा बहुत घास उगता था उसको ले लिया और धीरे 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 उसको एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया साहब ठीक है ना तो यू कैन सी इसी की, की कल्टिवेबल एरिया या कल्टिवेबल लैंड जो है उसको एक्सपांड करने का जो कामकाज है वो आपको यहाँ पे मिलेगा वी फाइंड द कल्टिवेबल लैंड वॉज एक्सपांडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड अब जो कल्टिवेबल लैंड का जो एक्सपांशन का जो पीरियड हमको यहाँ पे दिख रहा है ये चीज़ बेसिकली आपकी एंक्लोजर सिस्टम के कारण और ज़्यादा बढ़ जाएगी साहब तो एंक्लोजर सिस्टम आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही है इंग्लैंड के अंदर ये चीज़ हमको दर्शाती है और इसी के कारण इवन विथ मिनिमम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आप समझने की कोशिश करिए इवन विथ मिनिमम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंग्लैंड वॉज एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स जस्ट बाई एक्सपांडिंग द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर पहले पाँच बीघे के अंदर खेती करते थे तो खाना भी कम उगता था अब 50 100 500 सौ बिघों के अंदर खेती करोगे तो खाना भी ज़्यादा उगेगा समझे आप लोग ठीक है सो फार्मर्स एट दिस टाइम कंटिन्यू टू यूज़ द सिंपल इनोवेशन उस टाइम पे जो भी किसान थे उन्होंने सिंपल सिंपल इनोवेशन को यूज़ किया एग्रीकल्चर के अंदर और ए नाइनटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है कि आपका प्रोडक्शन बढ़ गया प्रोडक्शन बढ़ता है तो डेफिनेटली आपकी फ़ूड की जो डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं फुलफिल होने की शक्यता है साहब ठीक है अब आप समझने की कोशिश करिए कि इंग्लैंड के अंदर एग्रीकल्चर कौन सी कौन सी चीजों का होता था विच विथ थिंग्स वर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साहब ठीक है तो क्या कहती है एनसीआईटी एनसीआई कहती है कि इट वॉज इन द अबाउट ऑफ द दैट द फार्मर्स इन मेनी पार्ट ऑफ इंग्लैंड बिगैन ग्रोइंग टर्निप एंड क्लोवर अब देखिए बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करोगे ये लोकल क्रॉप्स थे वहां पे टर्निंग एंड क्लोवर जो बेसिकली इंग्लैंड में उगते थे अब फार्मर्स को पता चला कि यार हम लोग टर्निप एंड क्लोवर को उगाते हैं इफ यू ग्रो अप दिस क्रॉप्स तो ये हमारे लिए फायदेकारक है क्यों फायदेकारक है क्योंकि बाय प्लांटिंग दिस क्रॉप द कंडीशन ऑफ दिस सॉइल इज इंप्रूविंग एंड इट इज प्रोड्यूसिंग मोर फर्टिलिटी साहब ठीक है तो इसके कारण क्या हो रहा है हमको देखने को मिलता है कि फर्टिलिटी आपकी जमीन की बढ़ रही है तो इसके बाद कोई और क्रॉप लगाएंगे तो हमको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा साहब वी ऑल्सो फाइंड कि टर्नीप एक ऐसा क्रॉप था जो फॉर्डर के रूप में भी यूज होता था जो जानवर खाने के लिए यूज करते थे आपके जो एनिमल्स थे कैटल्स थे वो भी खा लेते थे साहब ठीक है सो दिस इज वन ऑफ द रीजन वी फाइंड की टर्निप एंड क्लोवर बिकेम टू ऑफ द मेजर क्रॉप इन द सेवेंटीन सेंचुरी जिसके द्वारा इंग्लैंड के अंदर एग्रीकल्चर चेंजेस आने की शुरुआत होती है धीरे 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 ये जो क्रॉप है ये क्रॉपिंग सिस्टम के पार्ट बन गए एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो सॉइल का इंक्रीज होता है जब नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी फर्टिलिटी भी बनेगी अब देखिए इसको मिक्सड फार्मिंग कहते हैं मिक्सड फार्मिंग का मतलब ये है कि कोई एक क्रॉप के ऊपर ना डिपेंडेंट रहते हुए मल्टीपल क्रॉप्स को उगाया जिसके कारण सॉइल के अंदर के जो आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो बरकरार भी रहेंगे और साथों साथ आपके यहाँ पे जो मिक्स मैचिंग हो रही है इसके कारण भी आपको फ़ायदा हो जाएगा समझे आप लोग ठीक है सो नाइट्रोजन वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द क्रॉपिंग सिस्टम उस टाइम पे बेसिकली आज की तारीख में भी आपको नाइट्रोजन चाहिए अगर आपको पता होगा एन का पूरा का पूरा मिक्सचर होता है और नाइट्रोजन वॉज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एन के रूप में और इसी के कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि इन्होंने टर्निप और क्लोवर जैसे क्रॉप को इनफैक्ट जब बनाए तो इसके कारण इनका नाइट्रोजन कंटेंट भी अच्छा होता है और नाइट्रोजन कंटेंट जब अच्छा हुआ तो सॉइल की फर्टिलिटी भी आपकी इंक्रीज होगी सॉइल की फर्टिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हमको देखने को मिलता है कि ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा और प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो फूड ग्रेन्स जो थे उनका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मोर एंड मोर एंक्लोजर्स वर बन रहे थे एंक्लोजर्स के अंदर ये लैंड को इंक्लूड किया गया आपकी ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ गई गेटिंग मै पॉइंट है ना सो वी फाइंड की द फार्मर्स इन द नाइनटीन सेंचुरी यूज द सेम मेथड टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर ऑन द रेगुलर बेसिस तो पहले इंग्लैंड के अंदर लोगों ने बेसिकली टर्न और क्लोवर नाम के क्रॉप्स को ऑलरेडी यूज किया था जो नाइनटीन सेंचुरी के इंग्लैंड के फार्मर्स ने फिर से रीयूज किया इसके कारण इनकी सॉइल की कैपेसिटी बढ़ी इसके कारण इनके यहाँ पे एंक्लोजर सिस्टम तो ऑलरेडी चल गया था और बेसिकली इन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए थे क्रॉप डेटेशन करना शुरू कर दिया था बड़े बड़े लैंड ओनर्स ने ज़मीन को एक्सपांड किया था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्शन बढ़ गया और जब प्रोडक्शन बढ़ा तो माला माल कौन हो गए बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स तो आप देखने की कोशिश करिए कि किस तरह से इंग्लैंड के अंदर जो एंक्लोजर सिस्टम है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको ठीक है ना एंक्लोजर सिस्टम है एंक्लोजर सिस्टम बिकेम वन ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड द इंक्रीज इन प्रोडक्शन इंक्रीज इन प्रोडक्शन और कैसे हुआ तो पहले तो मैंने आपको बताया कि एक बाउंड्री वॉल बना दी बड़ी जमीन लेके फिर वहां पे क्या कर दिया साहब क्रॉप रोटेशन करने की शुरुआत की ये क्रॉप रोटेशन के अंदर दो क्रॉप यूज़ किए कौन से टर्निप एंड क्लोवर नाम के क्रॉप साहब ये टर्निप एंड क्लोवर नाम के क्रॉप को यूज़ करने के कारण क्या हुआ साहब इंग्लैंड के अंदर आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है अब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा साहब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट आएगा माला माल हो गए साहब और आपके पास पैसा तो पहले से था आप ठीक है तो यू कैन इमेजिन कि हाउ एंक्लोजर सिस्टम वॉज बेनिफिशियल ओवरऑल फॉर मल्टीपल थिंग्स सीख है ना और सिंपल प्रैक्टिस के द्वारा ऐसा नहीं कहेंगे हम लोग कि कोई मॉडर्न इनोवेशन किया था सिंपल प्रैक्टिस के द्वारा इन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ाया है साहब ठीक है इसके अंदर कोई नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने की कोशिश की थी या इन्होंने कोई ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉफ्ट भी इन्होंने यूज़ नहीं किए थे साहब वॉज नो टेक्नोजिकल इनोवेशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर साइड उसके बावजूद भी हमको देखने को मिल रहा है कि इंग्लैंड की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो इकोनॉमी के अंदर काफी सारे चेंजेस हमको मिल जाएंगे ठीक है? तो इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए यू शुड नो दिस मच पॉइंट कि किस तरह से इंग्लैंड की जो इकोनॉमी थी और इंग्लैंड के अंदर जो एग्रीकल्चर चेंजेस थे वो चेंजेस आने की शुरुआत हुई और आपके यहां पे प्रोडक्शन बढ़ा अब आप मुझे बताइए कि एंक्लोजर सिस्टम के कारण फायदा किसको होगा हु विल हैव द एडवांटेज ठीक है हु विल विल हैव द द एडवांटेज एडवांटेज बी गिवन टू ओनर्स जो भी मालिक है उन लोग को फायदा होगा ओनर्स कौन थे साहब बिग लैंडलॉर्ड्स बड़े बड़े जमींदार थे दे वर द मेन ओनर्स एंड दे वर हैविंग गुड मनी इनके पास पैसा भी था रिसोर्सेज भी थे इनको बहुत मजा आ गई साहब ये माला माल हो गए इशू क्या था साहब कि इंग्लैंड के अंदर आपको पुअर फार्मर्स भी मिलेंगे कौन मिलेंगे साहब पुअर फार्मर्स मिलेंगे साहब गरीब किसान भी मिल जाएंगे अब इनका क्या होगा वॉट विल हैपन टू डैम समझे नहीं समझे है ना तो इंग्लैंड में दो चीजें हमको मिलती है वी फाइंड कि बिकॉज ऑफ दलोजर सिस्टम आपके यहाँ पे जो अमीर इंसान थे वो और अमीर हो गए क्योंकि उन्होंने ज़मीन पकड़ के रख दी थी पार्लियामेंट ने उनको लीगल बैकिंग दे दी कह दिया कि भाई देखो अब तुम मालिक हो गए तुम यहाँ पे खेती कर सकते हो खेती में भी इन्होंने थोड़ा बहुत यूरिया क्या कहते हैं अपना नाइट्रोजन कंटेंट को बैलेंस करने के लिए बेसिकली जो दूसरे मिक्स रोटेशन और जो मिक्स फार्मिंग है क्रॉप रोटेशन है उसको यूज़ करना शुरू किया तो ओवरऑल फ़ायदे में चले गए साहब समझे कि नहीं समझे अब आप उसके सामने मुझे कंपेयर करके बताइए नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड नाउ यू ट्राई टू सी कि अब इसके आगे क्या इम्पैक्ट होगी वॉट विल हैव फर्दर ठीक है फर्दर इम्पैक्ट जब हम लोग इसको ओवरऑल देखते हैं फर्दर इम्पैक्ट जब हम लोग ओवरऑल देखने की कोशिश करेंगे तो क्या होती है क्या होती है आप समझने की कोशिश करिएगा साहब ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग नहीं बता रहा हूँ फर्दर इंपैक्ट जब हम लोग देखते हैं वेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्दर इम्पैक्ट ऑफ द सेम हमको पता चलता है कि जो गरीब लोग हैं वो गरीब लोगों की हालत खराब हो जाती है साहब ठीक है सो एन सी आर टी इसी के ऊपर लिखती है कि बिकॉज ऑफ द एंक्लोज़र सिस्टम जब इंक्लोज़र सिस्टम बढ़ती है तो पुअर की कंडीशन ख़राब हो जाएगी साहब ठीक है है ना तो वी फाइंड की वॉट हैपन टू द पुअर गरीबों का क्या होगा साहब गरीबों का किसी ने सुना कि नहीं सुना आपके यहाँ पे जो एंक्लोज़र सिस्टम आई उसके कारण ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहती है साहब है ना गरीब लोगों के ऊपर सो वॉट डू वी फाइंड हमको पता चलता है कि दी पुअर पीपल एट दैट टाइम जो भी गरीब लोग थे साहब उन लोग की कंडीशन खराब हो जाती है सो एंक्लोजर फिल्ड द पॉकेट ऑफ द लैंड जिन जिन लोगों के पास जमीने ज्यादा थी वो लोग मालामाल हो गए बट दो पीपल हुआ मतलब क्या है कि पहले मैंने बताया था कि एक गांव था गांव के आजू बाजू वाली जो जमीन थी वो कॉमन लैंड हुआ करती थी याद आया कि नहीं है आपको ठीक है ये कॉमन लैंड के ऊपर जो लोग डिपेंडेंट थे इनको तो हटा दिया गया था देवर रिमोव फ्रॉम द प्लेस उनको बोल दिया गया कि तुम निकलो यहां से गेडिमा पॉइंट है ना सो वॉट हैपन टू दो पीपल हु डिपेंडेड ऑन द कॉमन फॉर द सर्वाइवल वो अपने सर्वाइवल के लिए कैसे इनफेक्ट जी पाएंगे my पॉइंट है ना तो क्या होता है कि जब फेंसिस बनने की शुरुआत होती है मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड के अंदर आपकी enclosure सिस्टम बने तो जो भी मालिक थे उन्होंने फेंसिंग कर दी है प्रॉपर्टी के आजू बाजू में बाउंड्री वॉल बना दी और कॉमन लैंड के ऊपर ही बाउंड्री वॉल बनाई थी साहब ठीक है सो बिकॉज ऑफ द फेंसिंग इट बिकेम एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ द लैंड ओनर द पुअर कुड नो लॉन्गर कलेक्ट द फायर हुड फ्रॉम द फॉरेस्ट और ग्रेस देयर कैटल ऑन द कॉमंस यू कैन इमेजिन की क्या सिचुएशन हो रही है पहले बेसिकली ये कॉमन लैंड के अंदर गाँव का कोई भी इंसान अपने चारा चराने के लिए ले कर चलता था जानवरों को जंगल के अंदर जाके लकड़ी निकाल के लेके आता था अपना जीवन चला देता था गेटिंग मा पॉइंट और जंगल से फॉरेस्ट के रिसोर्सेज से कुछ बड़े बड़े लैंड के पैस्चर्स थे जहाँ से इनको बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, थी। टू गेट सो मेनी थिंग्स आप ठीक है बट अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे जो गरीब लोग हैं ना इनफैक्ट कोई फ्रूट्स ले पाएंगे ना ही कोई छो, छोटे मोटे एनिमल्स को बेसिकली हंटिंग कर पाएंगे ना ही ये लोग बेसिकली आपका जो स्टॉक्स है परौती जिसे हम लोग पहचानते हैं उसको निकाल पाएंगे ठीक है है ना आपको पता होगा कि कोई भी क्रॉप को कट करते हैं वेन एनी क्रॉप इज कट तो क्रॉप को कट यहाँ से किया जाता है तो उसकी नीचे का जो स्टॉक्स है वो बाकी रह जाता है तो गरीब लोग क्या करते थे कि उसको खींच के निकाल के लेके आते थे एंड टू यूज फॉर द कैटल कैटल ये को फीडिंग के लिए बहुत काम में आता है इट इज यूज फॉर द कैटल फॉर साहब ठीक है तो इनकी सिचुएशन क्या होती है अब इनफैक्ट जो कॉमन लैंड है इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड अ प्राइवेट लैंड कॉमन लैंड गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इन अ प्राइवेट लैंड साहब ठीक है तो जो पहले इनको पूरी की पूरी ओनरशिप राइट right थी कॉमन प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट था वो खत्म हो गया तो इनके पास खाने का प्रॉब्लम हो गया साहब इनके पास लकड़े का प्रॉब्लम हो गया साहब इनके एनिमल्स को फॉर्डर का प्रॉब्लम हो गया साहब इनको जो भी फ्रूट्स मिलते थे और भी हर्ब्स मिलते थे वो सब के सब खत्म हो गए एंड वी फाइंड कि जब इनको कोई भी एंक्लोज़र uh, रीजन के अंदर जाना था तो ये लोगों को ज़मींदार को पैसा देना पड़ता था मतलब इट वॉज सिमिलर टू द थिंक जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था अगर आपको प्रीवियस क्लास के अंदर कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री पता होगी तो मैंने आपको बताया था कि पेस्टोरियल लोगों के साथ भी यही हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया अफ्रीका के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि मसाई करके एक पेस्टोरल कम्युनिटी थी ये मसाई लोगों के साथ ये अफ्रीका के अंदर जब ब्रिटिश लोग घुसे तो उन्होंने वहाँ उन उन्हों लोग को पूरी तरह से एनिलेट कर दिया था और उनको आने जाने की परमिट सिस्टम निकालनी पड़ी थी बहुत सारा परेशान किया था यहाँ पे भी आपको यही चीज मिलेगी हियर ऑल्सो वी फाइंड द सेम थिंग्स थिंग ठीक है तो वी फाइंड एवरी थिंग बिलोंग टू दैंड लॉर्ड्स एवरीथिंग एट अ प्राइस विद द पुअर कुड नॉट पे तो अगर इनको यहाँ से कुछ चीजें लेनी है फॉरेस्ट वाले रीजन से कोई बड़े लैंड के पीछे तो जमींदार को पैसा आपको देना पड़ेगा सो दिस इज वन ऑफ द रीजन वी फाइंड कि द एनक्लोजर्स बहुत ही एक्सटेंसिव स्केल के ऊपर होते हैं और जहाँ जहाँ एंक्लोजर्स एक्सटेंसिव लैंड में हो गए जैसे इंग्लैंड के अंदर मिडलैंड और काउंटी वाला जो विस्तार था वहाँ पे गरीबों को हटा दिया गया पहले ऐसा रहता था कि गांव के बाहर कोई भी कॉमन लैंड होगी वहाँ पे छोटी मोटी हट बांध के हट समझ में आता है कॉटेज बांध के लोग रहते थे साहब दे टू लिव इन द स्मॉल स्मॉल कॉटेजेस और उनको लगता था कि भाई अपन अपन चारा बारा चला के अपने जानवरों को खिला के अपन जीवन चला देंगे साहब ठीक है अब बोल दिया गया कि नाउ दिस लैंड बिलोंग टू सो एंड सो लैंड लॉड ये जो ज़मीन का टुकड़ा है ये कोई लैंड लॉड के हाथ में आ गया है इसको इंक्लोज कर दिया गया है इसको बंद कर दिया गया है और बिकॉज़ ये बंद कर दिया गया तुमको यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है वी फाइंड कि इनको अपनी जगह से हटाया गया इनके खुद के कस्टमरी राइट्स कस्टमरी राइट्स समझ में आते हैं परंपरागत राइट्स थे ये जो कॉमन प्रॉपर्टी हुआ करती थी गाँवों के अंदर वो कोई ज़मींदार की जागीर नहीं थी गई साहब वो भी, भी डिसअपियर हो गई बोल दिया गया कि अब तुम्हारा यहाँ पे भी अधिकार नहीं है साहब ठीक है डिप्राइड ऑफ द राइट एंड ड्रिवन ऑफ द लैंड इनफैक्ट उनको अपनी जमीन से हटा दिया गया उनको भगा दिया जाता है और ये गरीब लोग है ये लोग काम की सर्च में यहाँ से वहाँ घूमते रहेंगे एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स जो सेंट्रल इंग्लैंड में रहने वाले लोग थे वो साउदर्न कंट्रीज़ में चले जाते हैं साउदर्न पोर्शन में चले जाएंगे एंड वी फाइंड कि इन लोगों को अब मज़दूरी के लिए किसानों को या बड़े ज़मींदारों के वहाँ नौकरी पर रखा जाता था सो वी फाइंड कि ये लोग बेसिकली जब साउदर्न इंग्लैंड में जाते हैं जो गरीब लोग थे उन लोग को बेसिकली एग्रीकल्चर लेबर के रूप में काम मिला और हमको पता चलता है कि एनक्लोज़र सिस्टम ने एंक्लोज़र सिस्टम ने क्या कर दिया साहब एंक्लोज़र सिस्टम ने गरीबों को और गरीब बना दिया समझ में आया कि नहीं आया आपको ठीक है आप समझने की कोशिश करिए कि आप जब भी इनफैक्ट एंक्लोज़र सिस्टम लाते हो तो एंक्लोज़र सिस्टम के कारण क्या हुआ वॉट हैपन साहब ठीक है आपने एक ज़मीन का टुकड़ा जो था वो एक प्राइवेट ओनरशिप में आ गया और जैसे ही ये प्राइवेट ओनरशिप में आ गया तो उसके कारण एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट यही पड़ी दोस्तों कि यहाँ फाइनली हमको एक चीज़ मिलती है कि इनफैक्ट यहाँ के जो पुअर थे उनको डिस्प्लेस कराया गया उनको बोला गया कि अब तुमको यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है उसके बाद उनके साथ क्या हुआ मैंने आपको बताने की कोशिश की कि डिस्प्लेस कराने के साथ साथ आ, आ, दे वर टोल्ड कि इवेंचुअली टू मूव आउट उनको बोल दिया गया कि तुम निकलो यहाँ से फिर ये लोग इनफैक्ट अपने काम की सर्च में ये लोग यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं इनको माइग्रेट कराया गया एक जगह से दूसरी जगह एंड फाइनली ये लोग बेसिकली एग्रीकल्चर लेबर के रूप में काम करते हैं और इनके जो कस्टमरी राइट्स थे कस्टमरी राइट्स का मतलब क्या है कि पहले से ये लोग जानवरों को चलाने का काम करते थे कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर अपने जीवन को चलाते थे वो सब खत्म हो गया साहब ठीक है तो ये कंडीशन आपकी इनफैक्ट इंक्लोज़र सिस्टम के कारण होती है तो एंक्लोज़र सिस्टम काफ़ी हानिकारक रहा है हम लोग ये कहेंगे कि इट इट वाज क्वाइट ऑफ प्रॉब्लमेटिक फॉर द पुअर पीपल एंड द पुअर कम्युनिटी साहब ठीक है सो वी फाइंड की द पुअर कुड नॉट गेट द जॉब्स बहुत लोग बेसिकली जॉब भी नहीं ले पाते हैं पहले तो ऐसा था कि आपके जो लेबरर्स थे वो लैंड ओनर के साथ रहते थे और लैंड ओनर उनको थोड़ा बहुत काम देता था उनको खाना पीना खिला देता था और बेसिकली थ्रू आउट द ईयर ये अपने मालिक के साथ काम करते रहते थे अलग अलग काम करते हुए साहब ठीक है बट प्रॉब्लम ये हुआ कि एटीन तक आते आते जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट बढ़ जाता है तो उसके कारण इनको नौकरी वौकरी भी नहीं मिलती है और इनको साल में दो तीन महीना जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तभी इनको जॉब के अंदर रखा जाएगा हार्वेस्टिंग का मतलब क्या कट करके उसको फिर बेचना बेचना होता था साफ तब तो उनको मिनिमम वेजेस मिलते थे लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट मिलता था समझ में आया कि नहीं आया तो पूरे साल इनफैक्ट ये गरीब लोग बेकार बैठ गए बाकी सब लोगों की कंडीशन आप देखें तो खराब हो गई लैंड ओनर्स जो थे लैंड ओनर्स अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने का काम करते थे इन्होंने ये नहीं सोचा लैंड ओनर्स ने ये नहीं सोचा कि अब हमको क्या करना चाहिए साहब ठीक है लैंड ओनर्स ने एक ही टारगेट किया कि भाई देखिए हमको लेबर की ज़रूरत कब पड़ती है कि जब बेसिकली साल का कुछ कुछ टाइम ऐसा आता है जहाँ पे Uh, जो है ना हमको हार्वेस्टिंग uh, करना है कटिंग करना है या कोई आपको इंटेंसिव काम करवाना है तभी इनफेक्ट हम लोग कराएंगे बाकी पूरा टाइम वो लोग अपने पैसे में मदमस्त रहे वो जो कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर रहने वाले लोग थे सब बेकार हो गए बहुत सारे लोग बेसिकली इनसिक्योर हो जाते हैं अपनी जॉब के कारण एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता उनकी इनकम खराब हो जाती है एंड दिस इज़ वन ऑफ द द पुअर पीपल लॉस्ट देयर वर्किंग एबिलिटी थ्रू आउट द ईयर पूरा एक साल तक अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको पता चलता है कि साल में गिने चुने दो तीन महीने इनको काम मिलता था बाकी का टाइम ये लोग बेकार हो गए थे तो आप देखिए कि पहले एक ज़मीन के ऊपर पंद्रह बीस फैमिली रहते थे अब वो ज़मीन कोई ज़मींदार के हाथ में आ गई एनक्लोज़र सिस्टम क्रिएट हो गया तो इंग्लैंड की पूरी इकोनॉमी को और इंग्लैंड की पूरी सोसाइटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया समझे आप लोग ठीक है तो ये इंटरेस्टिंग एनालॉगी यहाँ पे दी गई है दिस इंटरेस्टिंग एनॉलॉगी हैज बिन गिवन इन दिस चैप्टर अब आप समझने की कोशिश करिए कि आपके पुअर लोग जो है उनकी कंडीशन क्या होती है अब सवाल ये आता है कि वुमेन और चिल्ड्रन का क्या हालत होता है वॉट हैपन टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन साहब ठीक है जो स्त्री और बच्चे हुआ करते थे उनके ऊपर कैसी इम्पैक्ट रहती है एनसीआर टी उनको लेके क्या बताती है उसको समझने की कोशिश करते हैं लेटस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वॉट हैपन टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन उनके साथ क्या हुआ उनकी कंडीशन कैसे होती है साहब ठीक है सो व्हाट हैपन टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन अब वुमेन का ट्रेडिशनल काम क्या था साहब ठीक है है ना वुमेन ट्रेडिशनल काम क्या करती थी कैटल को रखती थी साहब एक तो मेनली ये लोग है ना काऊ बाहू गाय बाय को धोने ओने का, का काम काज ये सब काम काज करते थे ठीक है फायरवुड को कलेक्ट करने का, का काम काज करते थे फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे बेरीज और बेसिकली ये लोग अपना गुजरात चलाते थे इनके हस्बैंड कुछ और काम करते थे अब आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे ही एनक्लोजर आ गया तो ये लोग भी बेकार बन गए क्यों क्योंकि एक एंक्लोज एरिया है एक क्लोज एरिया आ गया अब क्लोज एरिया के अंदर कुछ जा नहीं पाएंगे कुछ कर नहीं पाएंगे मालिक जमींदार ने मना कर दिया यहाँ पे आने का नहीं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ही फैमिली के लोग सब के सब बेरोजगार हो गए वुमेन भी बेरोजगार हो गए अब बच्चे क्या करते बच्चे जो थे बच्चे बेसिकली फ्रूट्स इकट्ठा करने का काम करते ये लोग जाते हैं बड़ी बड़ी जमीन के पैस्टर्स के अंदर कॉमन प्रॉपर्टी थी झाड़ बाड़ के ऊपर कोई एप्पल उग गया है बेरीज उग गई है साहब ठीक है तो उसको लेके आते थे और अपना जीवन चलाते थे अब वो भी नहीं पॉसिबल है तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स की एंक्लोजर ने वुमेन और चिल्ड्रन को बहुत हिट किया मेल कैंडिडेट्स जो आपके जो मेन थे सोसाइटी के पुरुष जो थे उनको तो हिट करता है वुमेन को भी उतना ही हिट करेगा साहब ठीक है एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि पूरी की पूरी, पूरी फैमिली अनएम्प्लॉयड रह जाती है द होल फैमिली बिकेम अनएम्प्लॉयड आप क्या पूरा का पूरा जो परिवार था वो अनएम्प्लॉयड हो गया और ये चीज़ दर्शाती है कि क्या सिचुएशन वहां पर बनी होगी साहब ठीक है गेटिंग अ पॉइंट है ना तो आप समझने की कोशिश करिए हमको एक चीज बहुत ही क्लियर कट मिल रही है वी फाइंड uh, कि जब इन सब सिचुएशन में हम लोग बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि क्या क्या यहाँ पे वो है ना कि सिचुएशन uh, क्रिएट हो जाती है साहब एंक्लोजर सिस्टम के कारण ठीक है तो एंक्लोजर सिस्टम के कारण गरीब और गरीब हुआ गरीब की हालत खराब हो गई पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है अब उसके बाद थोड़ा आगे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग फर्दर इसके बाद आगे क्या होगा उसको थोड़ा बहुत समझाता हूँ लेट मी एक्सप्लेन यू कि वॉट हैपन्स फ़र्दर साहब ठीक है अब इंग्लैंड में एक साइड के ऊपर एंक्लोज़र सिस्टम आ गया है एंक्लोज़र सिस्टम आने के कारण क्या हुआ साहब प्रोडक्शन बढ़ा मैंने आपको बताया और गरीब और गरीब हो गया साहब ठीक है तो आप समझिए कि एंक्लोज़र की दो इफ़ेक्ट है साहब ठीक है एंक्लोज़र सिस्टम की दो इफेक्ट है एक पॉजिटिव इफेक्ट ये रही है कि प्रोडक्शन बढ़ा है और बेसिकली आपकी फ़ूड की कैपेसिटी है वो अच्छी हुई है नेगेटिव इफेक्ट की जब हम लोग बात करेंगे तो हमको क्या देखने को मिल रहा है नेगेटिव इफेक्ट के अंतर्गत हमको बहुत क्लियर कट पॉइंट्स दिख रहे हैं वी आर एबल टू सी द पॉइंट्स इन अ वेरी क्लियर कट वे कि अंडर द नेगेटिव इफेक्ट अंडर दी नेगेटिव इफेक्ट वी कैन कंक्लूड टू द पॉइंट हम लोग ये पॉइंट के ऊपर कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई साहब यहां सिचुएशन खराब हो गई गरीब और गरीब हो गया और बेसिकली हमको देखने को मिलता है कि जो लैंड लॉड्स है लैंड बेसिकली और पावरफुल हो जाएंगे साहब ठीक है तो ये तो इतना पॉइंट रहा अब देखिए जब एनक्लोजर हुआ प्रोडक्शन हुआ प्रोडक्शन अगर आपको इंक्रीज़ करना है प्रॉफिट करना है तो एग्रीकल्चर में चेंजेस आने भी ज़रूरी है साहब और एग्रीकल्चर की टेक्निक में चेंजेस आने के लिए थ्रेसिंग मशीन का यूज़ करना शुरू किया गया और थ्रेसिंग मशीन के ऊपर से ही ये चैप्टर की शुरुआत हुई थी तो हमने जब प्रीवियस क्लास के अंदर ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको थ्रेसिंग मशीन का बताया था साहब ठीक है गेटिंग गेडिमा पॉइंट है ना तो थ्रेसिंग मशीन क्यों इंट्रोड्यूस किए गए इंग्लैंड के अंदर उसकी पूरी की पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे मिलेगी गेटिंग गेडिमा पॉइंट है ना अब आप समझिए कि वाई द थ्रेसिंग मशीन वॉज यूज बाय द वे थ्रेसिंग किसके लिए यूज होते हैं साहब ठीक है ना आप वीट को लेके अगर आप देखोगे तो उसका जो छिलका होता है ना वीट का ऊपर का जो कवर होता है वो निकालने के लिए बेसिकली काम करेगा समझे आप लोग ठीक है अब ये क्यों करना पड़ा उसके पीछे के दो तीन कारण है साहब ठीक है वट वॉज द रीजन बिहाइंड दैट एक्चुअली क्या होता है कि एटीन हंड्रेड से लेके एटीन फिफ्टीन का पीरियड पूरे यूरोप के अंदर क्राइसिस का पीरियड था क्योंकि इस दौरान नेपोलियन यूरोप में तांडव मचा रहा था यू माइट बी अवेयर अबाउट बोनापार्ट नेपोलियन द किंग ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम वो अपने आप को कहता है कि आई एम द द ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक नेपोलियन जो था वो पूरे यूरोप के अंदर तांडव कर रहा था और नेपोलियन ने यूरोप में युद्ध करके रखे थे अब जब जब युद्ध होता है तो आपको पता है प्राइजिस ऑटोमेटिकली बढ़ती है इन्फ्लेशन बढ़ने की आवश्यकता है गेडिंग पॉइंट है ना तो वी फाइंड की बिकॉज द प्राइजिज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग आपके यहाँ पे प्राइजेस बहुत बढ़ने की शुरुआत होती है और फूड ग्रेन्स के प्राइजेज आपकी बढ़ जाएगी तो फार्मर्स जो है उन्होंने अपना प्रोडक्शन भी एक्सपांड करने की शुरुआत की कि भाई चलो प्राइजिस को मैचअप करेंगे हमारे प्रोडक्शन को एक्सपांड करते समय अब प्रॉब्लम क्या था साहब एटीन में युद्ध चल रहा था अब उस दौरान जब वॉर चल रहा था तो लेबर का सप्लाई आपके पास मिनिमम था साहब ठीक है अब लेबर ना होने के कारण क्या हुआ इंग्लैंड के अंदर बेसिकली एक नेसेसिटी बनती है कि यार लेबर पहले क्या था कि हमको ग्रेन्स को साफ करके दे देते थे ग्रेन्स को साफ करने का काम कामकाज लेबर कर देते थे प्रॉब्लम यह हुआ कि आपके यहाँ पे लेबर का सप्लाई मिनिमम था नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन इंग्लैंड के अंदर भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का थॉट उस टाइम पे चालू हो गया था 1800 तक आते आते इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फाउंडेशन हो गया था और इसके कारण क्या हो रहा है कि शॉर्टेज ऑफ लेबर का जो एक डिमांड क्रिएट हुआ था उसके कारण लोगों को लग रहा था कि हम थ्रेसिंग मशीन का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा समझे कि नहीं समझे ठीक है तो लेबर का सप्लाई का प्रॉब्लम लेबर की खुद की दादागिरी का प्रॉब्लम लेबर एट टाइम्स अगर आप देखोगे बाटली पी के काम करने आता था तो ये सब सिचुएशन में जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे इन लोग को लग रहा था कि भाई साहब अगर लेबर इस तरह से दादागिरी से काम करेगा इससे अच्छा है कि हम मशीन्स को ख़रीद ले और मशीन्स का उपयोग करते हुए हमारी जो प्रोडक्शन है उसको मेंटेन भी करेंगे और हमारे लिए काफ़ी अच्छा फायदा भी होगा गेटिंग व पॉइंट है ना तो इनिशियली वॉर के कारण आपका लेबर वहाँ पे डाइवर्ट हो गया काफ़ी लोग युद्ध के अंदर लड़ने के लिए चले गए दूसरे कुछ बचे थे तो वो लोग दादागिरी करते थे बाटली बाटली बी के हंगामा करते थे अब प्रॉब्लम क्या होता है इंग्लैंड के अंदर मैंने आपको बताया कि थ्रेसिंग मशीन को टारगेट करने की शुरुआत होती है 1815 के बाद मैंने आपको बताया कि 1830s में थ्रेसिंग मशीन को जलाने का काम बहुत होगा हमने पढ़ा था ना प्रीवियस क्लास के अंदर कि दे वर डिस्ट्रॉयड मेनी टाइम्स द थ्रेसिंग मशीन वर डिस्ट्रॉयड साहब ठीक है ये क्यों होता है उसके पीछे का कारण बताता हूं होता यह है कि 1815 के आसपास नेपोलियन का पराजय हो गया इन द ईयर 1815 नेपोलियन लॉस्ट द बैटल ऑफ वाटरलू वाटरलू और उसके बाद फाइनली वाटरलू के अंदर उसका पराजय पहले तो लिप्जिक में होगा फिर वाटरलू के अंदर होगा वाटरलू में नेपोलियन का जब पराजय हुआ तो बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स अपने घर पे वापिस आए है ना अब ये लोग घर पे वापिस आए इन्होंने कहा कि भाई नौकरी दो हमको अब वो पहले खेती करते थे कहीं पे मजदूरी कर देते थे अब खेतों के अंदर क्या आ गया है वॉट हैजन इन द विलेजेस विलेजेस में तो अब मशीन आ गए हैं अब बड़े बड़े जमींदार्स ने तो ले लिया कि भाई हम तो थ्रेशिंग करवा देंगे साहब अब जब इनको काम नहीं मिलेगा साहब गेटिंग पॉइंट ऑफ नॉट है ना तो क्या होगा वॉट विल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी फाइंड की इसके थ्रेसिंग मशीन के ऊपर टारगेट करने की शुरुआत होती है समझे आप लोग ठीक है तो दिस इज वन ऑफ द रीजन्स वी फाइंड की इंग्लैंड के अंदर जो लैंड ओनर्स जो थे उनको टारगेट किया जा रहा था थ्रेसिंग मशीन्स को टारगेट किया जा रहा था उसका एक कारण यह भी था दूसरा पर्सपेक्टिव अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि आपका लेबर जो है वो टारगेट कर रहा था लैंड लेबर आ, लैंड लॉर्ड्स को उसके पीछे का कारण आपका इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं एक्चुअली होता ये है कि इंग्लैंड के अंदर जब युद्ध ख़त्म हुआ तो उसके बाद यूरोप से फिर से फूड ग्रेन्स आने की शुरुआत होती है पहले मैंने आपको बताया कि फूड ग्रेन्स की कमी थी इसके कारण इन्होंने अपना लोकल प्रोडक्शन बढ़ा दिया था अब इंग्लैंड के अंदर जब प्राइजेस डिक्लाइन हुई फूड ग्रेन्स वापिस आने की शुरुआत हुई तो इंग्लैंड में एग्रीकल्चर को लेके अब मिसमैच हो गया आपका सप्लाई बढ़ गया डिमांड लिमिटेड था तो प्राइजेस भी क्या होगी साहब कम होगी समझे कि नहीं समझे सप्लाई बढ़ गया डिमांड डाउन हुआ तो प्राइजेस भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी समझे आप लोग ठीक है सो वॉट इज हैपनिंग कि आपके यहाँ पे प्राइजेस कम जा रही है डिमांड कम हो रही है तो आपके जितने भी लैंड ओनर्स से इन्होंने एरिया ऑफ़ कल्टीवेशन है वो डिक्रीज कर दिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एरिया ऑफ़ कल्टीवेशन को डिक्रीज करने का मतलब क्या है वॉट डू मीन बाय दैट उसका मतलब ये होगा कि पहले ये लोग सौ बीघे के अंदर खेती करते थे अब बेसिकली जब प्राइसेस कम हुए तो इन्होंने पचास बीघा के अंदर खेती कर दिया कि भाई प्रोडक्शन नहीं करना है प्रोडक्शन करेंगे तो डिमांड आती नहीं है तो प्राइसेस ऑलरेडी डाउन है साहब ठीक है बिकॉज ये लोग प्रोडक्शन कम करेंगे तो आपकी जो प्राइजिस है वो थोड़ी बैलेंस आउट होगी अब प्रोडक्शन कम किया उसका मतलब क्या है कि लेबर जो है जो ऑलरेडी जॉब ढूंढ रहा था जिनका ऑलरेडी शोषण चालू था उनकी सैलरी कट करने की शुरुआत की बहुत सारे लेबर को कह दिया कि बेटा अब तुमको खेत के अंदर आने की जरूरत नहीं है तुम्हारा कोई काम नहीं है गेटिंग माई पॉइंट ऑफ नॉट एंड इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं एक गांव से दूसरी जगह ये लोग जाते रहेंगे यहाँ से वहाँ घूमते रहेंगे पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बहुत बढ़ जाती है और जब अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ती है कैप्टन स्विंग जैसे लोग इनफैक्ट लेटर लिखने की शुरुआत करेंगे लैंड को और बोलेंगे कि चाचा तुम्हारे कारण हम बेरोजगार हुए हैं चाचा तुम्हारी पॉलिसीज़ के कारण हमारी कंडीशन ये हुई है चाचा तुमने ये जो थ्रेसिंग मशीन को परचेज़ किया है इसके कारण हमारे लोगों को नौकरी मिल रही है और नौकरी नहीं मिल रही है और हम लोग पूरी तरह से हालत ख़राब हो गई है एंड हैंस वी फाइंड कि इंग्लैंड के अंदर ये थ्रेसिंग मशीन को टारगेट करने का पूरा का पूरा पीरियड आता है समझे तो हमने जब फर्स्ट क्लास को पढ़ाया था कल के क्लास के अंदर प्रीवियस डे के अंदर हमने देखा था कि इंग्लैंड में थ्रेसिंग मशीनस को बहुत बड़ी मात्रा में टारगेट किया गया इनफैक्ट ये जो फोटोग्राफ अगर आप देख रहे हो इफ़ यू कैन सी दिस फोटोग्राफ ये फोटोग्राफ के अंदर ये आपको आंकड़े दिख रहे हैं ना इफ़ यू कैन सी द नंबर्स ओवर हियर ये जो इनसेट करके सर्कल के अंदर आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं ये नंबर्स क्या दर्शाता है वॉट डज दिस नंबर शोज माई फ्रेंड ये नंबर दर्शाते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में थ्रेसिंग मशीन्स को टारगेट किया गया था हाउ द थ्रेसिंग मशीन व टारगेट इन इन इंग्लैंड साहब ठीक है तो ये सब चीजों से हमको एक चीज तो पता चलती है कि इनफैक्ट आपके यहाँ पे एंक्लोजर सिस्टम आने के कारण एक तो आपने मशीन्स का यूज करना शुरू किया दूसरी इनफैक्ट लेबर की इनफैक्ट छटनी करनी शुरू कर दी ऊपर से अगर आप समझोगे तो नेपोलियन के युद्ध के बाद इनफैक्ट आपके पास लेबर सप्लाई का एक्सेस होना और लेबर सप्लाई के एक्सेस होने के कारण क्या हो गया साहब ओवरऑल इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ जाता है और आखिर के अंदर मैंने आपको बताया कि आपका प्रोडक्शन बढ़ गया इनफैक्ट आपकी जो आ, क्या है सप्लाई बढ़ गई है डिमांड कम है तो ऑटोमेटिकली आपके प्राइजेस डाउन चले गए बहुत सारी सिचुएशन ख़राब होगी और इसके लिए क्या होते हैं आपके थ्रेसिंग मशीन्स को टारगेट किया जाता है और इसी के कारण थ्रेसिंग मशीन्स को टारगेट करने के साथ साथ इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़ी इन्फेक्ट है ना युद्ध जैसी परिस्थिति का निर्माण कराया जाएगा साहब ठीक है तो इस तरह से इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत हुई बहुत इंटरेस्टिंगली ये मॉडर्न एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस को इन्होंने हाईलाइट कराया है और इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि देखिए भाई इंग्लैंड में ये हालत हो गई थी एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस कराते कराते गेटिंग अ पॉइंट है ना तो वी फाइंड कि मॉडर्न एग्रीकल्चर इसके बाद पूरी तरह से बदल गया फिर इनकलोज़र सिस्टम आ गया आपके यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप आ गई फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए लोग लैंडलेस लेबर के अंदर कन्वर्ट हो गए बहुत लोगों को माइग्रेट करना पड़ा और बहुत बड़ी मात्रा में लोग क्या होते हैं अनएम्प्लॉयड होते हैं साहब ठीक है तो आपको लगता है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर से हर बार फ़ायदा होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है इंग्लैंड में इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमको मिलती है साहब और नेगेटिव इम्पैक्ट के अंदर हमने देखा कि ओपन फील्ड का कंसेप्ट चला गया जो ट्रेडिशनल राइट्स मिलते थे किसको मिलते थे ट्रेडिशनल राइट्स टू द पीपल हु इज़ टू कल्टीवेट द लैंड वो ख़त्म हो गए बड़े बड़े फार्मर्स जो थे उन लोग की प्रोडक्शन बढ़ गई इन्होंने बेसिकली पैसे कमाए और पावरफुल बने लेटर ऑन पॉलिटिक्स के अंदर भी आ गए गरीब लोगों को अपना गाँव छोड़ना पड़ा इन लोगों को जॉब्स करने के लिए कहीं ना कहीं माइग्रेट जाना पड़ा और इनकी इनकम इनकी लाइवलीहुड का जो इशू था बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बढ़ जाता है गेटिंग गेडिमा पॉइंट है ना तो ये सिचुएशन आपकी ओवरऑल इंग्लैंड के अंदर मॉडर्न एग्रीकल्चर के कारण होगी तो आप जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट लेके आए और फिर आपने मॉडर्नाइज किया तो उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ेगी साहब ठीक है तो इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट ये क्लास के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ उसके पीछे का इंटेंशन यही है क्योंकि यही पर्सपेक्टिव में हमको देखना है कि ये क्यों हुआ था और कैसे हुआ था समझे आप लोग ठीक है अब आप देखिए कि ओवरऑल uh, जो एन के दो तीन पैसेजेस दिए हैं ये पैचेज को थोड़ा बहुत समझाता हूँ फिर आगे चलूंगा साहब ठीक है अब देखिए कि ये पैसेज क्या कहना चाहता है इफ़ यू कैन सी ओवर हियर ये पैसेज क्या कहना चाहता है वन पीजेंट हु लॉस द राइट्स टू द कॉमन लैंड आफ्टर द एन्क्स वर रोड टू द लोकल लॉर्ड साहब ठीक है ना तो अपनी जमीन चली गई उसके बाद एक पीजेंट ने लिखा है क्या लिखा है शुड अ पुअर मैन टेक वन ऑफ योर शिप फ्रॉम द कॉमन हिस्स लाइफ वुड बी फोरफिटेड बाय द लॉ अगर इनफैक्ट कोई गरीब इंसान एक आध बकरी या भेड़ उठा के लेके चला जाए तो आप उसको पूरी तरह से फॉरफिट करोगे बट यू शुड टेक द कॉमन फ्रॉम हंड्रेड पुअर्स द लॉ गिव्स नो रिड्रेस आपने बेसिकली बहुत लोगों के शिप ले लिए ज़मीन ले ली पर कानून इनफैक्ट हमको कोई सॉल्यूशन नहीं देता द पुअर मैन इज लाइबल टू बी हंग फॉर टेकिंग फ्रॉम यू

जहां गरीब इंसान न्याय मांगने के लिए जा रहा था तो न्याय भी उसको नहीं मिल रहा था साहब ठीक है तो ये आप ऐसा मत सोचिएगा कि मॉडर्नाइजेशन ऑलवेज लीड टू सम गुड थिंग्स साहब ठीक है तो है ना इज मॉडर्निटी गुड हाँ अगर आप कभी कभी ऐसे आते हैं फिलोसफिकल डिस्कशन में भी आपको ऐसे पूछते हैं कि मॉडर्निटी अच्छी होती है कि नहीं होती हर बार साहब है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जब आया इंग्लैंड में तो क्या उसने भला किया कि बुरा किया

ही मस्ट जॉक अलॉन्ग विद मतलब क्या है कि जब आप कॉमन प्रॉपर्टी में काम करते थे तो वहाँ पे पूरी सोसाइटी डिसाइड करनी थी कि आपको क्या करना है पूरी सोसाइटी डिसाइड करनी थी कि आपको सॉइल में क्या उगाना है क्या नहीं उगाना जब एंक्लोजर सिस्टम आया तो आपके पास राइट आया एंक्लोजर सिस्टम आया तो आपने डिसाइड किया कि सॉइल में मैं क्या चेंज करूंगा और बेसिकली मैं किस तरह से उसमें से पैसा कमा पाऊंगा साहब ठीक है और अल्टीमेटली तो मैं फूड प्रोडक्शन भी करके दे रहा हूँ तो एंक्लोजर है ओन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कहने की बात मेरी यही है कि एंक्लोज़र को दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आइडिया आपको मिलेंगे साहब ठीक है ना तो इतना परस्पेक्टिव से हमको समझ में आता है कि जो इंग्लैंड में एंक्लोज़र सिस्टम थी उसने काफ़ी सारे चेंजेस लाए ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर समझे आप लोग ठीक है तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर के अंदर तीन पार्ट्स लिखे गए हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को लेके एक तो इंग्लैंड के अंदर जो स्मॉल कॉटेज सिस्टम के अंदर रहने वाले लोग थे उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा ये पहला पार्ट था आपका उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो वीट फार्मर्स को लेके है द बंगाल साहब ठीक है तीसरा पार्ट जो है वो ओपियम प्रोड्यूसर्स के साथ है तो पहला हमने अभी खत्म किया है कॉटेज वाला दूसरा पार्ट है वीट फार्मर्स का उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में ओपियम की खेती कैसे होती थी और किस तरह से उसके ऊपर इम्पैक्ट कराया गया है ठीक है तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंगली लिखा गया है कि कैसे कैसे जो इनोवेशन हुए ये इनोवेशन के कारण आपकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से उसको कैसे हर्ट किया जाता है समझे आप लोग ठीक है तो आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पे क्या लिखा गया है पूछा गया है एक्सप्लेन ब्रीफली वॉट ओपन फील्ड सिस्टम मेंट टू द रूरल पीपल इन एटीन सेंचुरी इन इंग्लैंड साहब ठीक है अठारहवीं शताब्दी में ओपन फील्ड सिस्टम का फायदा क्या था अरे बहुत फायदे थे साहब आप अपनी मिसाब से खेती करिए जो उगाना है वो उगाइए इनफैक्ट आपको एक स्ट्रिप ऑफ लैंड दे दी जाती थी जिसमें अच्छी क्वालिटी ऑफ लैंड भी होगी पुअर क्वालिटी ऑफ लैंड भी होगी दोनों का मिक्सचर बना के और गांव वाले हर साल आपको लैंड अलॉट करके देंगे तो मगजमारी कोई नहीं थी साहब ठीक है गेडिंग पॉइंट है ना तो एक पीजेंट के रूप में काफ़ी फायदा था लेबर के रूप में भी देखोगे तो आपका शोषण नहीं हो रहा था रिच फार्मर कहता था कि ओपन प्रैक्टिस गलत है साहब ठीक है गेडिंग पॉइंट ऑन है ना फिर दूसरा क्या पूछा गया है कि एक्सप्लेन ब्रीफली विच लेट टू द फैक्टर्स वी सिलेक्ट टू द एंक्लोजर्स इन इंग्लैंड इंग्लैंड में एंक्लोजर्स का डेवलपमेंट हुआ उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे विच फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल इन इंग्लैंड साहब ठीक है ना वो पूछा गया है ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनफैक्ट इंग्लैंड में इंक्लोजर uh, सिस्टम के पीछे फैक्टर्स कौन से कौन से रिस्पॉन्सिबल थे तो पहले एक तक तो, तो मैंने वुल प्रोडक्शन के बारे में बताया वुल वुल अगर आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में शिप के बारे में बताया था और क्यों, क्योंकि शिप का प्रोडक्शन या यूल का प्रोडक्शन करना था इसके लिए ज़मीनों को प्राइवेट ओनरशिप में लाया फिर पॉपुलेशन बढ़ी उसके लिए भी लाना पड़ा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में कॉटन का सप्लाई था उसके लिए भी लाना पड़ेगा और फिर आपके पास इनफैक्ट जो है ना प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए भी आपने एंक्लोजर सिस्टम का यूज किया तो बहुत सारे फैक्टर्स है साहब ठीक है फिर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है तीसरा क्वेश्चन पूछा है वाई वर द थ्रेसिंग मशीन्स अपोज बाय द पुअर इन इंग्लैंड इंग्लैंड के अंदर गरीब लोगों ने थ्रेसिंग मशीन को क्यों अपोज़ किया था? अरे भाई अपोज ही करेंगे ना साहब ठीक है हाँ उनकी रोज़ी रोटी चली गई उनकी एक सोर्स ऑफ इनकम हम लोग जिसे कह सकते हैं वो निकाल दिया गया तो थ्रेसिंग मशीन का तो अपोज ही करेंगे और तो थोड़ी कोई स्वीकारेगा कि देखो भाई ये थ्रेसिंग मशीन इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया था इंग्लैंड के अंदर देखो जब जब मशीनाइजेशन होता है जब भी कोई भी कोई प्रकार का मैकेनाइजेशन होगा तो इनिशियली जॉब लॉसेज होने की शक्यता रहती है पर ओवरऑल सोसाइटी अडोप्ट कर लेती है ठीक है तो वो टाइम ब्रोइंग प्रोसेस चलता रहता है फिर चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया हु कैप्टन स्विंग वॉट नेम डिड डिट दॉट डिड द नेम सिम्बोलाइज और रिप्रेजेंट कैप्टन स्विंग और कोई नहीं था एक मिथिकल नाम था और वो बेसिकली किसानों के लिए छोटे लेबरर्स के लिए उन सब के लिए आवाज़ उठाने वाली एक आइडेंटिटी बनती है तो एक सिम्बोलिक नाम था साहब ठीक है ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आगे के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जो है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ओपीएम वाला टॉपिक को बहुत डिटेल में देखेंगे चिंता मत करिएगा क्योंकि ओपीएम को लेके वॉर हुए थे जिसे हम लोग कहते हैं ओपीएम वॉर्स पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है ओपीएम को बेसिकली पर ओपीएम इसी का आउटकम है एक्चुअली ओपीएम वॉर चाइना के साथ होते ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एटीन के दौरान में एटीन और एटीन में ये दोनों कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कॉलोनाइजेशन का ही आउटकम है तो उसको हम लोग देखेंगे इंडिया के किसान मना कर रहे थे कि हमको ओपीएम

तो ये सेशन अभी और दो तीन चार सेशन चलेगा ये जो चैप्टर है उसके बाद ये चैप्टर को कंक्लूड करेंगे ठीक है तो लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे आज का क्लास यहाँ पे कंक्लूड करते हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म एंड आई विल वंस अगेन वेलकम यू कि आप जुड़िए हमारे साथ ऑन दी अन अकेडमी प्लस कोर्सेज जहाँ पे मैं हिस्ट्री आंसर राइटिंग का कोर्स करा रहा हूँ आई एम बेसिकली डिस्कसिंग द हिस्ट्री आंसर राइटिंग कोर्स एंड ऑलवेज यूज़ दिस डिस्काउंट कोड पी एन लाइव टेन परसेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा एंड टेन परसेंट डिस्काउंट के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हो इन अ वेरी इफेक्टिव वे इन अ वेरी एनालिटिकल वे मैं आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करूंगा इसके सिवाय दो हज़ार इक्कीस की प्रिल्मस के लिए मेरे कोर्सेज आ रहे हैं दो हज़ार इक्कीस की ट्वेंटी ट्वेंटी वन प्रम्स और मेन्स के लिए कॉम्प्रहेंसिव कोर्स एंशियंट मीडीवल मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर के लिए आएंगे आप वो भी अटेंड करिएगा बहुत मजा आएगी साथ में मिलकर हम लोग तैयारी करेंगे और पूरी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्लास को कंक्ल्यूड करता हो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म Thank you very much and keep studying.